हमारी मासूमियत को फायदा उठा लो। हमारे जैसा मासूम इंसान पूरे भारत में न मिले। काम झूठ बोल देगा, हम बहुत मासूम हैं। डाली हडी हाइपर कंजुगेशन। आप लोग ब्लैकमेल तो करते ही हमें, इसमें क्या है? लेकिन ध्यान रखना, हम ब्लैकमेल उतने ही होते हैं जितना होना चाहिए। अगर बार बार गलती करेंगे फिर हम नहीं छोड़ेंगे। डाली हेडिंग हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुग कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बड़ा है लेकिन सिंपल है। हाइपर कंजुगेशन है, हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। लिखिए, इट इज अ परमानेंट इफेक्ट, इट इज, तो आप एक बात से लीजिए, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को छोड़ के सभी इफेक्ट परमानेंट हैं। इट इज अ, पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव में, तो इलेक्ट्रोमेरिक बस एक टेम्पररी इफेक्ट है, बाकी सभी परमानेंट है। इट इज अ परमानेंट इफेक्ट, परमानेंट। और तुम इतनी दूर से आते हो काजल भैया, थोड़े साला लौड़ के आओ। हाँ, ग्लव्स वगैरह पहन लो, इतने दूर से गाड़ी में चले आते हो, ठंडी नहीं लगती है? या तो फिर हमारे जैसे बनो। नहीं तो फिर अपना प्रोटेक्शन तो करो। इट इज अ परमानेंट इफेक्ट, ये भी एक परमानेंट इफेक्ट है आपका, मतलब हो के हमेशा ही मॉलिक्यूल में रहता है, ऐसा नहीं कि कोई आएगा तब आएगा। ये जैसे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट था वो तभी आता है जब अटैकिंग रिजेंट कोई उस पर अटैक करने आता है, तभी पाई बॉन्ड शिफ्ट होता था। लेकिन ये ऐसा इफेक्ट नहीं है, ये मॉलिक्यूल में हमेशा है। इट इज अ परमानेंट इफेक्ट, टेक्स प्लेस। जगह छोड़ दी होगी सबने, तुमने बना लिए थे स्ट्रक्चर, तुम सबने जी है ना, हमें भेजिए, देखेंगे हम अभी रात को। इट इज अ परमानेंट इफेक्ट, टेक्स प्लेस ओनली इन दोज, ओनली इन दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इट इज अ परमानेंट इफेक्ट, यही एक हमेशा रहने वाला इफेक्ट है। जो सिर्फ उन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड में या उन्हीं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में होगा जिनमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन है, मिनिमम वन अल्फा हाइड्रोजन। क्या होता है अल्फा हाइड्रोजन देखते हैं। इट इज अ परमानेंट इफेक्ट, टेक्स प्लेस ओनली इन दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और दोज मॉलिक्यूल्स और दोज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और दोज सब्सटेंस विच हैव एट लीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन एटम। कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए उसके पास। इट इज अ परमानेंट इफेक्ट, यह हमेशा रहने वाला इफेक्ट है मॉलिक्यूल में। लेकिन सबसे पहले इफेक्ट होगा कि नहीं होगा ये आपको पता करना पड़ेगा। तो ये होगा, उसके लिए आपको देखना है कि कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो। अगर आपका अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो ये इफेक्ट नहीं होगा फिर आपका। चलिए देखते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन कैसे पता किए जाते हैं।
देखिए अल्फा हाइड्रोजन कैसे पता करेंगे आप, जहां पर भी फंक्शनल ग्रुप लगा हो। जहां पर भी फंक्शनल ग्रुप हो या फिर पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो या फ्री रेडिकल हो या फिर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हो, जहां पर भी ये चीजें लगी हो उनको ऐसे अंडरलाइन कर लीजिए बड़ी आसानी से। फंक्शनल ग्रुप हो, कार्बोकेटाइन हो, कैटाइन हो, एनायन हो, फ्री रेडिकल हो, लॉन पेयर की बात में चलेगी आप, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, तो पूरे इनको अंडरलाइन कर लो और उससे अटैच पहला कार्बन कहलाएगा अल्फा कार्बन, उससे अटैच सेकेंड कार्बन कहलाएगा बीटा कार्बन, उससे अटैच थर्ड कार्बन कहलाएगा गामा कार्बन, उससे अटैच फोर्थ कार्बन कहलाएगा डेल कार्बन, और अल्फा कार्बन में जितने हाइड्रोजन लगे होंगे वो सभी क्या कहलाएंगे हमारे अल्फा हाइड्रोजन। नोट करिए इसको। अल्फा बीटा गामा डेल, फंक्शनल ग्रुप पॉजिटिव नेगेटिव फ्री रेडिकल डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। ऐसे ही लिखो सुबह, नहीं तो नहीं आएगा समझ में जैसे हमने लिखवाया है। अल्फा कार्बन में जितने भी हाइड्रोजन होंगे अल्फा हाइड्रोजन, बीटा कार्बन में जितने हाइड्रोजन होंगे बीटा हाइड्रोजन, गामा में जितने वो गामा, डेल में जितने डेल। चलिए देखते हैं, ठीक है, चलिए देखते हैं क्या हम अल्फा हाइड्रोजन आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। ठीक है, ये सीधा एग्जांपल, CH3 पॉजिटिव, CH3 CH2 पॉजिटिव, CH2 पॉजिटिव, चलिए बताइए किसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है। चलो यस बताओ इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है।
बताओ जीता इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, कितने से अच्छा जीरो अल्फा हाइड्रोजन है इसमें, कितने जीरो अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन ही नहीं है। कहता कि इससे जुड़ा पहला कार्बन क्या कहलाएगा, अल्फा कार्बन। तो जब इसमें अल्फा कार्बन ही नहीं तो अल्फा हाइड्रोजन तो है होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, एक कार्बन तो इम्पॉसिबल है, कोई हो ही नहीं सकता है। इनको देखना है जहाँ पर भी ये हो उनको अंडरलाइन करो, और उससे जुड़ा हर एक कार्बन पहले नंबर पे जो अटैच होगा वो अल्फा कार्बन कहलाएगा, जो सेकेंड होगा वो बीटा कहलाएगा, जो थर्ड होगा वो गामा कहलाएगा, जो फोर्थ होगा वो डेल कहलाएगा, है ना। तो हमने क्या बोला, इनसे अटैच, जो इनसे अटैच होगा वो पहला कार्बन अल्फा, इसको तो हमने अल्फा बोला ही नहीं। जो इनसे फर्स्ट नंबर पे अटैच होगा वो अल्फा कहलाएगा, जो इनसे सेकेंड नंबर पे अटैच होगा वो बीटा कहलाएगा, जो इनसे थर्ड नंबर पे अटैच होगा वो गामा कहलाएगा, जो इनसे फोर्थ। तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज फंक्शनल ग्रुप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इनको ऐसे अंडरलाइन कर लो अगर कन्फ्यूजन से बचना है तो। और इनसे जो फर्स्ट अटैच होगा वो अल्फा कार्बन कहलाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज से कोई अटैच है क्या, तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो जब अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन तो इम्पॉसिबल है। पॉजिटिव चार्ज से अटैच फर्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, तो इसमें थ्री अल्फा हाइड्रोजन है, थ्री अल्फा हाइड्रोजन लिखते चलो। अभी आप फिर मतलब अंदर से अच्छा महसूस कर रहे हो, है ना, पहले वो देख लो, अगर वो अगर सही है तो फिर हम समझा देते हैं, क्योंकि जब तक आप अंदर से गुड फील नहीं करोगे हम नहीं चाहते कि आप जोर डालो दिमाग में। पॉजिटिव चार्ज पकड़ना नेगेटिव चार्ज पकड़ना फंक्शनल ग्रुप पकड़ना कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पकड़ना कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पकड़ना, ये जहाँ पर भी हो उनसे अटैच पहला कार्बन देखना वो अल्फा कार्बन कहलाएगा, सेकेंड कार्बन बीटा कहलाएगा, अल्फा कार्बन से जितने हाइड्रोजन लगेंगे वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे, और बीटा कार्बन से जितने हाइड्रोजन लगेंगे वो बीटा हाइड्रोजन कहलाएंगे। यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन इसमें पॉजिटिव चार्ज से कोई भी कार्बन नहीं लगा है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज से ही लगा है कार्बन, तो कौन सा कार्बन हुआ, पहला कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन में कितने हाइड्रोजन लगे हैं, तीन, तो थ्री अल्फा हाइड्रोजन हो गए। इसमें बताओ शिक्षा, तुम बताओ, तुम बताओ प्राची, तुम बता दिव्य, एक भी नहीं, जीरो अल्फा हाइड्रोजन है इसमें। ये पॉजिटिव चार्ज है, इससे लगा ये बॉन्ड, तो आप इसको अगर अल्फा कार्बन मानते हो तो फिर डबल बॉन्ड है। तो यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, चलो हम मान भी लें इसे कि अल्फा कार्बन है बाय डिफ़ॉल्ट मान लें, तो क्या इसके पास कोई हाइड्रोजन है क्या, तो अल्फा कार्बन भी नहीं है और अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है। किसी को भी मान लो, हम कह रहे हैं इसको आप अल्फा, इसको आप अंडरलाइन कर लो, तो इसके रिस्पेक्ट में आप इसे अल्फा कार्बन मान लो, तो वन टू थ्री और वन फोर, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन आ रहा है लेकिन नहीं माना जाएगा बच्चों, रीजन बता रहे हैं हम। हमने क्या बोला, डबल बॉन्ड से लगा हुआ कार्बन, तो यहाँ भी तो डबल बॉन्ड है, तो इस डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में इसको लोगे आप, तो इस डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में फिर इसको लोगे, तो ये नहीं माने जाएंगे। सीधा सीधा दिखना चाहिए कि डबल बॉन्ड को अंडरलाइन करो, उसके बाद सिंगल बॉन्ड वाला कोई कार्बन आना चाहिए,
उसी को अल्फा मानोगे आप, तो ये नहीं होगा। तो इसमें कोई भी अल्फा कार्बन नहीं है ना कोई भी अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसमें होंगे जीरो अल्फा हाइड्रोजन। इस पे बताओ तन्वी, जितना भी गिनना है उतने सभी कार्बन के गिनने हैं जितने आपके अल्फा कार्बन हैं। आंसर बताओ, तुम बताओ प्राची, तुम बताओ दूसरा, तुम बताओ दिव्यांश, तुम बताओ विजेता। पॉजिटिव चार्ज से जुड़ा सीधा कार्बन अल्फा कार्बन, तो ये अल्फा कार्बन है, नीचे वाला भी तो ले सकते ना इसको ना, तो लो ना, कौन नहीं कर रहे हैं, हाँ तो वो भी लो ना, किसने रोका है। तो पॉजिटिव चार्ज अटैच है उससे डायरेक्टली, जितने भी कार्बन अटैच होंगे वो सब क्या कहलाएंगे, अल्फा। तो ये अल्फा कार्बन, तीन हाइड्रोन यहाँ है, ए भी पॉजिटिव से डायरेक्टली अटैच है, तो ए भी अल्फा, तीन यहाँ है छः। अगर यहाँ आप मान भी लो तो यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो टोटल इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, सिक्स अल्फा हाइड्रोजन। हाँ ये वाले इसके जस्ट बगल में आता तो बीटा होता, अगर हम लेते तो आप ही कहते गलत हो, क्यों, पॉजिटिव चार्ज से जुड़ा अटैच फर्स्ट क्या होगा, अल्फा होगा ना, उससे अटैच बीटा होगा, जितने भी अटैच होंगे डायरेक्टली पॉजिटिव चार्ज से वो सब अल्फा कहलाएंगे। लीजिए एग्जांपल देखिए, इसमें कितने अल्फा कार्बन है, इसमें तीन अल्फा कार्बन है, एक दो तीन, जितने भी पॉजिटिव चार्ज से अटैच होंगे वो सब क्या कहलाएंगे आपको, डायरेक्टली अल्फा। पॉजिटिव चार्ज एज एग्जांपल ले रहे हैं, कोई फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है, डायरेक्ट वाले सभी अल्फा कहलाएंगे, तो सिक्स अल्फा हाइड्रोजन है इसमें, सिक्स। इस वाले में इसमें सेवन अल्फा हाइड्रोजन है, जे अल्फा कार्बन थ्री, ए अल्फा कार्बन थ्री, सिक्स, और यहाँ भी एक हाइड्रोजन होगा, दिख रहा है बहुत क्लियर बैलेंसी के अकॉर्डिंग, तो ए भी तो अल्फा कार्बन होगा, तो सेवन, इसमें सेवन अल्फा हाइड्रोजन। जी आपको समझाने के लिए, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ, मतलब थियोरटिकल का पार्ट नहीं, आप इसको स्केप कर सकते हो, ये तो आपको समझाने के लिए हमने एग्जाम्पल लिखे। चलो इसे बताओ इसमें कितने हैं, और एग्जाम्पल लीजिए, सी डबल बॉन्ड सी सी थ्री सी डबल बॉन्ड सी, बताओ जिससे पूछे पहले लिख लो, किसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, बताइए। तीसरा फर्स्ट वाले में कितने अल्फा हाइड्रोजन है, एक अल्फा हाइड्रोजन है, तुम बताओ किसमें, फर्स्ट वाले, हाँ अल्फा हाइड्रोजन एक ही है, तुम बताओ कैसे चलेगा काम। बच्चों तीन बार समझा सके हैं, तीन बार समझा सके हैं, इसको पूरा अंडरलाइन कर लेना है, और इससे जुड़ा फर्स्ट अल्फा कहलाएगा, स्टूडेंट किन बीटा खिलाएगा, तो ये अल्फा ये बीटा कर लिया अंडरलाइन, और जुड़ा फर्स्ट कार्बन क्या होगा, अल्फा कार्बन। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, फ्री रेडिकल, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इनको पूरा अंडरलाइन कर लोगे जवाब, तो इससे जुड़ा जितना भी फर्स्ट है वो सब अल्फा होगा, जितना भी सेकेंड वो सब बीटा होगा, जितना भी थर्ड है वो गामा होगा, और जितना भी फोर है वो डेल होगा। जे है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, अंडरलाइन कर लिया, इससे डायरेक्टली अटैच कार्बन क्या होगा, अल्फा।
इसमें देखो, वन टू थ्री, वन टू थ्री पूरा अंडरलाइन। अब ऐसे अंडरलाइन अभी यहाँ कर लो, एग्जाम में आप चाहो तो अवॉइड कर सकते हो अगर आपको खराब लगता है। तो ये हो गया, तो ए भी अल्फा है और ए भी, तो इसमें है थ्री अल्फा हाइड्रोजन और उसमें है सिक्स अल्फा हाइड्रोजन। नोट करिए, इनमें से एक आध दो लिखिएगा एग्जाम में, इतने सारे नहीं लिखना है, समझाते समझाते इतने हो, मतलब कॉन्सेप्ट के लिए हैं, थ्योरी है तो इतने सारे एग्जाम्पल, एक आध एग्जाम्पल भी लिख देना है। जैसे एक ही वाला लिख देना। ये पूरा अंडरलाइन कर लिया, ये पूरा अंडरलाइन कर लिया। इससे डायरेक्टली, इस ग्रुप से डायरेक्टली जितने भी कार्बन अटैच होंगे वो क्या कहलाएंगे, अल्फा। तो इस ग्रुप से डायरेक्टली कितना कार्बन अटैच है, एक, तो ये कौन सा कार्बन कहलाएगा, अल्फा। और इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन लगेंगे, थ्री। ये है इस ग्रुप को पूरा कर लो कवर। इस पूरे ग्रुप को कवर करने के बाद इस ग्रुप से डायरेक्टली जितना भी पहला कार्बन होगा वो अल्फा कहलाएगा। तो इस ग्रुप से डायरेक्टली ए भी लगा है और इस ग्रुप से डायरेक्टली ए भी लगा है, तो ए भी अल्फा है और ए भी, तो इसमें तीन हो, इसमें तीन है, टोटल कितने हो गए, सिक्स। तो बहुत छोटी सी चीज़ है बच्चों, तुरंत कैच कर लेनी चाहिए थी आपको। चलिए अब देखते हैं कि हाइपर कंजुगेशन होता क्या है। ये तो अभी हमने ये बताया आपको कि उनमें होगा जिनमें अल्फा कार्बन है। CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, तो इसमें है तीन अल्फा हाइड्रोजन। हेलो, नमस्ते आंटी जी, कहाँ पर? हाँ वो तो सही है, जानते हैं वो बात आंटी। ठीक है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जैसा सही लगे वैसा करिएगा आप। नहीं नहीं सही है, सुरक्षा तो पहले, सेफ्टी तो पहले। नहीं आप अपने हिसाब से ही करिएगा जैसा आपको सही लगे। और नहीं नहीं ठीक है आंटी, ठीक 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 है आंटी। बस थोड़े से, बस पता है ना, मुश्किल से 6-7 बार, 6-7 क्लास की बात और है, 6-7 में पूरा कोर्स हो जाएगा। फिर अगर सौम्य को कोई भी दिक्कत, नहीं 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 देखिए क्या है आंटी, ऐसा नहीं, सबसे पहले तो आपको ध्यान ही रखना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, 6-7 क्लास की बात और है, उसके बाद वो उसको अगर कोई भी दिक्कत है ना, मैं तो सीधे फ़ोन करके पूछ सकती है या शाम को आ सकती है। ठीक है आंटी जी, ठीक ठीक, नमस्ते। तीन अल्फा हाइड्रोजन, एक फंक्शनल ग्रुप है ना, इसमें बच्चे गलती करते हैं बहुत, इसको डबल बॉन्ड देखा, इसको अल्फा मान लेते हैं। इसीलिए हमने सीधे आपको बताया कि इसको अंडरलाइन कर लो पूरा, तो फिर दिक्कत नहीं होती। तो इससे डायरेक्टली अटैच पहला होगा अल्फा और सेकेंड होगा बीटा, जैसे इसको लिख दें हम CH3 CH डबल बॉन्ड CH
CH3, इसमें होंगे 6 अल्फा हाइड्रोजन। नोट करो काजल, किसका नहीं लिखा था? हो गया, समझ में आ गया? ठीक है, चलिए अब इसका डेफिनेशन लिखते हैं, इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। पांव के नीचे डाल ले, हमारी तो एक कफिंग होती रही है। डालिए हेडिंग डेफिनेशन। देखिए क्या होती है डेफिनेशन इसकी, हाइपर कंजुगेशन की। द डीलोकलाइजेशन, या डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हो आप, जो आपको अच्छा लगे। The delocalization of sigma electrons, अब ब्रैकेट में सिग्मा बॉन्ड भी लिख सकते हो। The delocalization of sigma electrons, अब ब्रैकेट में सिग्मा बॉन्ड भी लिख सकते हो। द डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स और सिग्मा बॉन्ड ऑफ अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड द डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स और सिग्मा बॉन्ड ऑफ अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टू वर्ड्स पाई बॉन्ड और कार्बोकेटाइन और कार्ब एनायन। कार्बोकेटाइन आप ब्रैकेट में सी पॉजिटिव लिख सकते हो और कार्ब एनायन इज कॉल्ड कार्बन आयन में आप ब्रैकेट में सी नेगेटिव लिख सकते हो। कार्बन आयन इज कॉल्ड हाइपर कंजुगेशन। द डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स और सिग्मा बॉन्ड ऑफ कार्बन और अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टू बट पाई बॉन्ड और कार्बोकेटाइन और कार्बन आयन एक कॉल हाइपर कंजुगेशन। पढ़ो आते हैं।